प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, निर्माण आईएएस की एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और उसके साथ साथ क्रूशियल एलिमिनेशन टेक्निक बताता। मैं बार बार बताता हूँ कि बिना एलिमिनेशन टेक्निक की जानकारी के आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम को पास नहीं, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज से सिर्फ प्रीलिम्स को पास करना नथिंग टू इम्पोसिबल, नेक्स्ट टू इम्पोसिबल अर्थात लगभग असंभव जैसा है। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, कुछ प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जहां पर आपकी जेन्युइन जानकारी बहुत महत्वपूर्ण। अब अगर भारत के बारे में आपको विशेष जानकारी नहीं है तो आप इस विशेष पोस्ट के लिए नहीं बने। तो भारत में अगर ऊर्जा क्षेत्र के बारे में यह प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको भारत के ऊर्जा क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र एक तो काफी चर्चा में रहने वाला विषय है, दूसरा पूरी दुनिया अपने ऊर्जा पैटर्न को चेंज कर रही है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, तीसरा इकोनॉमिक सर्वे में भी टॉपिक पे बहुत गंभीर चर्चा किया जाता है। तो ऐसे में भारत का ऊर्जा क्षेत्र आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहां आप इस सेक्टर को तैयार जरूर कर लें। तो प्रश्न देखते हैं, भारत दुनिया में कोयले के सबसे बड़े उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है। अब ऐसा प्रश्न अगर आ जाए उत्पादक और उपभोक्ताओं में से एक है, ये नहीं कह रहा है कि भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है या सबसे बड़ा उत्पादक। अगर प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ताओं में से एक है, मतलब बहुतों में से एक, तो यहां पर ये तो स्टेटमेंट कोई निश्चित स्टेटमेंट है ही नहीं, यह तो एक संभावना वाला स्टेटमेंट है। और ऐसे में इस प्रश्न के सही होने की संभावना अधिक है, क्योंकि भारत निश्चित रूप से अपनी एनर्जी का बहुत बड़ा, ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत कोयला से प्राप्त करता है। तो दुनिया के बड़े देशों में से तो भारत है ही, ठीक है। मैं आपको बताना जो चाह रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा कि मैं सिर्फ इस स्टेटमेंट के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जब भी में से एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो यह स्टेटमेंट बेसिकली संभावना बताता है और यह मैक्सिमम केस में सही होने वाला स्टेटमेंट, ठीक है। आइए सेकंड पे, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उपयोग विद्युत उत्पादन उद्योग में होता है। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आ गया कि इसने बता दिया कि सर्वाधिक, जैसे ही कोई एक्सट्रीम वर्ड, कोई कठोर शब्द का चयन किया गया हो स्टेटमेंट में तो वहां पर कठोर शब्द के गलत होने की संभावना अधिक हो, ठीक है। तो यहां कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उपयोग विद्युत उत्पादन उद्योग में होता है। हो सकता है कि प्राकृतिक गैस का उपयोग, सर्वाधिक उपयोग किसी और उद्योग में हो रहा हो, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के गलत होने की संभावना अधिक। आइए तीसरे स्टेटमेंट पर, 2011-12 से 2020-21 तक मिट्टी के तेल के खपत में लगातार गिरावट देखी गई। अच्छा, मिट्टी के तेल के खपत में अगर आप गांवों से बिलोंग करते हैं तो आप लोग देखते थे कि पहले मिट्टी के तेल खपत बड़ी अधिक होती थी, लोग घर में दिया जलाते थे, वो भी मिट्टी का तेल का जलता था, स्टोव से खाना बनता था वो भी मिट्टी के तेल का उपयोग हो जाता था, तो लालटेन होता था, लैंप होता था, इनमें मिट्टी के तेल की उपयोगिता होती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दिया का कल्चर, लैंप का और लालटेन का कल्चर लगभग समाप्त होने, बहुत कम हो गया है। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में मिट्टी के तेल के उपभोग में कमी आई। ये तो आप बिना सरकारी तथ्यों को पढ़े हुए
खुद से भी समझ सकते हैं, ठीक है। शहरों में भी कभी कभी लाइट कर देते तो लोग इन सब मिट्टी के तेल का उपयोग करते, लेकिन अब लाइट की स्थिति जैसे जैसे सुधर रही है मिट्टी के तेल की उपयोगिता घट रही है। यहां पर कह रहा है 2011-12 से 2020-21 तक मिट्टी के तेल की खपत में लगातार गिरावट देखी गई। अब यहां पर लगातार शब्द दिया गया। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताना चाहता हूं, जब भी यूपीएससी के स्टेटमेंट में लगातार पिछले 5 वर्षों से, लगातार पिछले दशक से, लगातार पिछले 10 वर्षों से ऐसा स्टेटमेंट आता है तो आप लोग देखेंगे कि ये स्टेटमेंट मैक्सिमम केस में गलत ही हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां सही है कि गलत है, लेकिन मैक्सिमम केस में जब भी लगातार ट्रेंड के बारे में पूछा जाता है और उस ट्रेंड में लगातार शब्द यूज किया जाता है तो वो स्टेटमेंट के गलत होने की संभावना अधिक, ठीक है। यहां पर क्या है वो अब आपको जानना है, क्योंकि यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। मैं कह रहा हूं बार बार जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको पूरे बढ़िया से आने ही चाहिए, तभी आप इस विशेष पोस्ट के लिए डिजर्व करते, ठीक है। आइए थर्ड अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। सभी पेट्रोलियम उत्पादों में 2020-21 के दौरान हाई स्पीड डीजल ऑयल के खपत का हिस्सा सबसे अधिक है। अब यहां पर ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रिक का क्या रोल है इसमें। यहां पर जैसे ही सबसे अधिक आ गया, सबसे कम, सबसे अधिक, सर्वाधिक, ऐसे जब शब्द होते हैं ये चरम शब्द है और चरम शब्द के गलत होने की संभावना अधिक। देखिए मैं बार बार संभावना शब्द का उपयोग करता हूं और आप लोग इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मान करके अप्लाई नहीं करिएगा, पता चले कि हर क्वेश्चन में ही आप लोग ऐसा ही अप्लाई कर, तो ये आपके लिए एक वज्रपात जैसा हो सकता है, ठीक है। मैं कहता हूं संभावना, अगर आपको रिस्क लेना हो तब की बात हो रही है, अगर आपको निश्चित जानकारी है तब तो निश्चित जानकारी है ही, अगर जानकारी नहीं है रिस्क लेना है तब वहां पर आप एलिमिनेशन टेक्निक करें, ठीक है। तो कहता है कि किसकी उपयोग किसकी खपत अत्यधिक है, हाई स्पीड डीजल ऑयल की खपत का हिस्सा सभी पेट्रोलियम उत्पादों में 2020-21 के दौरान सबसे अधिक। अब ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है, जैसे ही सही गलत दिखे क्या करना है, घेर देना है, क्योंकि सही और गलत को अगर आपने नहीं घेरा तो एग्जाम हॉल में जानते हुए भी एक या दो क्वेश्चन गलत, ठीक है। देखिए कह रहा है अब यहां पर कौन सा सही है। देखिए अगर मैं डेफिनेट रूप से, निश्चित रूप से अगर मुझे बनाना हो और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं हो तो मैं पहले स्टेटमेंट को सही मानूंगा और सेकंड को तो निश्चित रूप से गलत मानूंगा, क्योंकि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक उपयोग की बात कर रहा है विद्युत उत्पादन। अगर दो को मैंने गलत माना तो यह स्टेटमेंट गायब हो गया। अब एक और बात, अगर यह प्रश्न भारत के ऊर्जा उत्पादन से नहीं जुड़ा होता, किसी और मुद्दों से जुड़ा हुआ होता तो फिर यह क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान होता, लेकिन चूंकि ऊर्जा उत्पादन से जुड़ा है 2011-12 से मिट्टी के तेल की खपत में गिरावट भी देखी गई है, यह भी मैंने महसूस किया है, तो यहां पर इसकी जानकारी अगर मुझे नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, ये लगातार गिरावट वाला जो शब्द है इसको लेकर के हो सकता है कि मैं इस स्टेटमेंट को गलत मान लूं, या यहां पर सबसे अधिक देख करके इस स्टेटमेंट को गलत मान लूं। अब यहां ऑप्शंस पे आते हैं, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो इन सबको गलत करने के बाद सही होता है। तो देखिए यहां पर अगर हम 3 और 4 को गलत करते हैं तो ऑलरेडी गलत है, तो भी हमारे पास केवल एक ऑप्शन भी दिया गया है। यूपीएससी आपको यूजुअली ऐसा नहीं करता, यूपीएससी आपको ललचाता है, लेकिन वह आपके पेशेंस की, वह आपके जानकारी का एक सिंपल सा टेस्ट लेता है, इतना हार्डकोर टेस्ट नहीं लेता है। तो यहां पे कह रहा है कि खपत का हिस्सा सबसे अधिक है, कौन सा सही है, आइए अब थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है प्राकृतिक गैस का अधिकतम उपयोग उर्वरक उद्योग के बाद बिजली उत्पादन में होता है, का मतलब है कि प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक उपयोग कहां होता है, उर्वरक में, और उसके बाद विद्युत उत्पादन में होता है। तो ये डेटा और ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 2011-12 से 2021 तक केरोसिन की खपत में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। अब ये ट्रेंड बता रहा है,
कि लगातार गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। इसका मतलब है कि जो थर्ड स्टेटमेंट है ये क्या है, सही है। फिर देखिए, पेट्रोलियम उत्पादों के समय के साथ लगातार वृद्धि हुई है और 11-12 के दौरान इतना पढ़ते हैं हम, सभी पेट्रोलियम उत्पादों में HSDO क्या है, HSDO यही है हाई स्पीड डीजल ऑयल, ठीक है। कह रहा है कि सभी पेट्रोलियम उत्पादों में HSDO की खपत का हिस्सा सबसे अधिक है। कब? 2019 ये आंकड़ा बता रहा है। तो यह जानकारी ही सही है। ये मैंने आपको ये प्रश्न बेसिकली हम लोगों को शामिल करने का मकसद ये था कि आपको बता सके कि आप अगर अपने नॉलेज पर भरोसा नहीं रखेंगे, खूब पढ़ेंगे नहीं, तो सिर्फ इलिमिनेट करके आप यूपीएससी का प्रश्न नहीं पास कर सकते। नॉलेज का चरम भी चाहिए आपके साथ, नॉलेज भी पर्याप्त चाहिए और ऐसे मुद्दों की समझ तो आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पर दूसरा को गलत काटने के बाद पहला, तीसरा और चौथा ये ऑप्शन सही हो गया। हाँ, यूजुअली एक जैसे यहां पर हमने केवल एक ऑप्शन दिया था, ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जो कि सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक पे भरोसा करते हैं, के पास जानकारी कुछ नहीं, तो वो ये गलती कर जाते हैं। लेकिन यूपीएससी ऐसा नहीं करता है। यूपीएससी बेसिकली आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद ही आपको आंसर दे देता है, वो आपको इतना भी भारी टेस्ट नहीं ले रहा होता है कि आप उसको सही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच ने 1950 के संविधान आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के मामले में केंद्र सरकार से हालिया स्थिति की मांग की, अनुसूचित जाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्दा दे रहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट सरकार से इसके बारे में कुछ जानना चाह रहा है, तो ऐसे में इस यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। 1950 के संविधान जाति आदेश के अनुसार केवल ध्यान रखिएगा कौन कौन, हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्मों के सदस्यों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देने की। अब स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में एससी का स्टेटस किसको मिलेगा, अगर वह हिंदू होगा, जैन होगा, सिख और बौद्ध होगा, तो इस धर्म के व्यक्ति को एससी का स्टेटस मिल सकता है, लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये दोनों यहां पर मिसिंग। का मतलब है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एससी का स्टेटस, पहला स्टेटमेंट ऐसा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रिक क्या कहता है। मैंने आपको बार बार बताया कि जैसे ही एक दो से अधिक है एक साथ आ जाए, यहां पर हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध, ये चार धर्म एक साथ लिंक कर दिए गए, हो सकता है इस चारों में कोई एक नहीं हो, या हो सकता है इन चारों के अलावा कोई एक पांचवा भी हो, ऐसी संभावना है। तो जैसे ही ये तीन या तीन से अधिक स्टेटमेंट, तीन से अधिक निश्चित फैक्ट एक साथ जुड़ गए, तो उसके गलत होने की संभावना। आइए देखते हैं, केंद्र सरकार ने 2019 में दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति के सदस्यों के रूप में शामिल करने की संभावना को स्वीकार कर लिया। क्या मतलब है? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिश्चियन फैमिली में भी जो एससी कम्युनिटी है उसको भी सेंट्रल लेवल पे एससी के स्टेटस को देने के लिए मत को स्वीकार कर लिया। सेकंड स्टेटमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एससी क्रिश्चियनिटी को भी एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए तैयार। थर्ड स्टेटमेंट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, यह एक आपको याद होना चाहिए, यह अन्य बातों के साथ साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने, ऐसे अपराधों के अपयोजन के लिए विशेष न्यायालय बनाने और राहत देने, और ऐसे अपराधों के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए विशेष प्रावधान करने वाला एक
थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने के बाद थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि यह जो एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम है वह कहता है कि अगर एससी एसटी पर कोई अत्याचार होता है तो उनको पहले उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकने, दूसरा इन पर अगर कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए विशेष न्यायालय बनाने और ऐसे अपराध से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास करने के लिए प्रावधान कर। भाई एससी एसटी एक्ट है तो वह एससी एसटी की भलाई के लिए मैक्सिमम बात करेगा ना, उनके पुनर्वास की भी बात करेगा, उन पर अत्याचार रोकने की भी बात करेगा, अगर उन पर अत्याचार होता है उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी बताएगा। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो देखने में तो बहुत बड़ा जरूर है लेकिन यह बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, यह सीधे सीधे एक विशेष जानकारी उपलब्ध कराता है, इसमें कोई ऐसा विशेष फैक्ट नहीं है को लेकर के गलत होने की संभावना। थर्ड स्टेटमेंट आसानी से सही किया जा सकता है, ठीक है। अब कह रहा है उपयुक्त कदम में से कौन सा, अब यहां पर देखिए पहला, हमने कहा पहला गलत होने की संभावना है, ठीक है। कौन सा सही है, हिंदू जैन सिख और बौद्ध, पहला गलत होने की संभावना है। हमने कहा कि दूसरा को भी, दूसरा में देखिए केंद्र सरकार ने दलित ईसाइयों के लिए क्या किया है, अब इनको भी एससी का स्टेटस स्वीकार कर लिया, तो यह भी स्वीकार करने वाला मुद्दा भी हो सकता है सरकार ने स्वीकार कर दिया हो, यह भी गलत हो सकता है। तो पहला और दूसरा के गलत होने की संभावना है और यहां पर हमने थोड़ी एक मिस्टेक करी है, ऑप्शंस बनाते समय हम लोग यहां पर गलत लिखना चाहिए था, हमने उसको सही लिखा, ठीक है। तो आप लोग इसको गलत कर लेंगे, ठीक है। कौन सा गलत है, तो पहला तो निश्चित रूप से गलत सा लग रहा है, तो पहला गलत लग रहा है तो ये गायब हो गया क्योंकि इसमें पहला नहीं। तीसरा सही लग रहा है, तो तीसरा सही लग रहा है तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब कि एक और दो दोनों गलत, ठीक है। मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट हमें जानकारी हो या ना हो फिर भी हमने ऑप्शंस को सही कर लिया, ऑप्शन से एलिमिनेट। अब थोड़ी जानकारी जान लेते हैं कि 1950 के इस एक्ट के इस आदेश के माध्यम से सरकार ने हिंदू को, यहां देखिए किस किस को एससी कम्युनिटी का दर्जा दिया जाता है, हिंदू को, सिख को और बौद्ध को, केवल इन तीन समुदायों को ही एससी कम्युनिटी का स्टेटस देना स्वीकार किया गया है और केवल इन तीन कम्युनिटी के लोगों को ही एससी माना जाता है, ठीक है। तो इसमें जैन समुदाय के लोग एससी स्टेटस में नहीं आते हैं, ना ही क्रिश्चियन आते हैं और ना ही इस्लाम के लोग, ठीक है। अब यहां पर दूसरा फैक्ट है कि 2019 में सरकार के सामने यह प्रोविजन किया गया था, ईसाइयों को भी, जो दलित ईसाई है उनको भी एससी का स्टेटस दिया जाए, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तो यहां पर ईसाइयों को भी एससी का स्टेटस नहीं मिला, तो यह एक जानकारी थी जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप में से भी बहुत सारे लोग, अधिकांश नहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन सट्टेबाजी करते, ट्रेंड चल रहा है। देखिए पतंग के द्वार बहुत हैं, आपको चुनना है आप किस द्वार से अपना पतंग, लेकिन प्रगति के द्वार भी बहुत हैं और आपको ही सिलेक्ट करना है कि आपको अपने प्रगति का कौन सा मार्ग चयन करना। अब ये आपके ऊपर है कि आप पतन का मार्ग चुनते हैं कि प्रगति का मार्ग चुनते हैं। आपने एक साहस दिखाते हुए यूपीएससी की तैयारी के लिए एक साहस तो दिखा ही दिया है, आप बाकियों से, बहुत लोगों से विशेष जरूर है, आपने यूपीएससी की तैयारी करने का साहस दिखाया, लेकिन एक साहस और दिखाएं और जो पतन की ओर जाने वाले मार्ग हैं पर जाने से बचे तो यूपीएससी की तरफ आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब उसी में से एक है कि हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन और डिजिटल मीडिया पर दिखाए जाने वाले सट्टेबाजी के विज्ञापनों के खिलाफ एडवाइजरी जारी की। खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, ऐसे बहुत सारे प्रचार आपको देखने को मिलते हैं और वो बड़े रिस्पेक्टेड
इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो ड्रीम इलेवन टाइप की ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन सट्टेबाजी है, वहां पर वो कहते हैं कि टीम बनाओ और पैसा जीतो, मतलब वो खुद ही प्रमोट करते हैं कि आप जुआ खेलो। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन सरकार अब इसको लेकर के थोड़ी सक्रिय हुई है। तो ऑनलाइन जो सट्टेबाजी के विज्ञापनों के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है सरकार ने, सट्टेबाजी तो अब सरकार ने इनके खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना, सट्टेबाजी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार। भारत में सट्टेबाजी एक बहुत ही गहरा और अस्पष्ट विषय है, क्योंकि सरकार द्वारा कोई स्पष्ट नियम और कानून उपलब्ध नहीं है। अब आपको जानना है, बताना है कि क्या सट्टेबाजी के संदर्भ में सरकार के पास कोई स्पष्ट कानून है या सेकंड इसी का आगे। यद्यपि सरकार द्वारा भारत में सट्टेबाजी को विनियमित किया गया है, रेगुलेट किया गया है सरकार के द्वारा, पहला स्टेटमेंट कहता है, स्टेटमेंट का पहला भाग, कि हमारे यहाँ सरकारों के पास ऐसा कोई स्पष्ट नियम और कानून नहीं है सट्टेबाजी को रोकने के लिए, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट कहता है लेकिन सरकार उसको रेगुलेट करती है, विनियमित करती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट 1867 के सार्वजनिक जुआ अधिनियम, यह एक एक्ट है, इसके बारे में बात की जा रही है, के अनुसार भारत में सार्वजनिक घरों एवं ऑनलाइन जुआ खेलना प्रतिबंधित है। जुए का घर रखने वाला कोई भी व्यक्ति सजा और कारावास के लिए उत्तरदायी। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में जुआ करवाता है तो वह सजा के लिए पात्र है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सार्वजनिक जुआ अधिनियम कब बना था, 1867। देखिए 1867 में सार्वजनिक जुआ अधिनियम बना था। कैसे कैसे कभी कभी यूपीएससी ट्रैप करता है, हम लोग क्वेश्चन बनाते समय इन बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हम यूपीएससी के पिछले वर्षों के ट्रेंड और पैटर्न को कॉपी करके आपके सामने प्रस्तुत। तो यहाँ ये क्वेश्चन हमने इसी ट्रेंड से लिया है कि 1867 का एक्ट है। समझिएगा, यूपीएससी एक ही स्टेटमेंट में खुद के ही स्टेटमेंट को काट रहा होता है और ये एक्ट कह रहा है कि सार्वजनिक घरों में और ऑनलाइन जुआ खेलना प्रतिबंधित है। 1867 में ऑनलाइन वाला कंसेप्ट था क्या? नहीं था ना। तो भाई 1867 में कोई एक्ट बनाया गया तो वहां पर कभी ऑनलाइन वाला प्रोविजन आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं, इस स्टेटमेंट को, ऐसे स्टेटमेंट को, तो जल्दी जल्दी में पढ़ते हुए निकल जाते हैं और आपका दिमाग वहां पर साइक ही नहीं करता है। तो इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि जब भी स्टेटमेंट पढ़े, स्टेटमेंट के एक एक शब्द को गहराई के साथ, ध्यान के साथ। तो यहां ऑनलाइन हो सकता है कि जल्दीबाजी में पढ़ने में आपको ऑनलाइन जुआ स्ट्राइक ही नहीं करता, आपको लगता कि हाँ हो सकता है सरकार ने, कि आप इस 1867 पर सोचते ही नहीं, क्या इतना पुराना कानून, आप सोचते कि हाँ सार्वजनिक जुआ अधिनियम है। तो इसीलिए बार बार मैं समझा रहा हूं कि आप लोगों को रुकना कहां है, प्रतिबंधित है। तो यह स्टेटमेंट तो आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में कोई नियम नहीं है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही कह रहा है कि भारत में सट्टेबाजी को, देखिए जुआ और सट्टेबाजी में अंतर होता है, भारत में सट्टेबाजी के लिए कोई स्पष्ट नियम और कानून उपलब्ध नहीं है, यह स्टेटमेंट। लेकिन भारत में सट्टेबाजी को विनियमित भी नहीं किया गया है, भारत में सट्टेबाजी को रेगुलेट करने वाली कोई रेगुलेटिंग एजेंसी भी नहीं है। आपने किसी ऐसी एजेंसी का नाम सुना है जो सट्टेबाजी को रेगुलेट करती है इंडिया में? ऐसी कोई एजेंसी अभी तक नहीं है। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट भी ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों गलत है। पूछ रहा है कौन सा सही है, आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही, ठीक है। देखिए ये चूंकि हम लोग मंथली चलते हैं, मंथली करंट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में जब भी आपके पास हम ये प्रश्न पूछते हैं तो उस महीने के इम्पोर्टेंट न्यूज को हम लोग कवर कर रहे होते हैं। तो जो हम लोग कवर कर रहे हैं ये जानकारी आपके पास
जरूर होनी चाहिए। जैसे ही हमने कोई टॉपिक पूछा उस टॉपिक को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही क्रूशियल टॉपिक हम लोग सिलेक्ट करके। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए भाई, स्वच्छ सर्वेक्षण नहीं जाएगा, बहुत क्रूशियल है, प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है। अगर आप प्रिलिम्स में नहीं पूछा गया, बाय द वे संभावना पूछे जाने की बहुत अधिक होती है, अगर नहीं पूछा गया तो भी यह आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस में इलिमिनेट करने का काम आएगा। अगर ये नॉलेज आपके पास है तो ये आपको पेरिफेरल नॉलेज के रूप में काम करेगा, और किसी भी ऑप्शन को हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन इससे इनडायरेक्टली रूप से सही हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे टॉपिक को जरूर तैयार करें, और मेंस में तो इसको लिखना ही लिखना है। तो आइए इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है भाई, इंदौर ने लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का खिताब प्राप्त, सबसे स्वच्छ शहर का खिताब प्राप्त किया, जबकि सूरत शहर को लगातार दूसरी बार दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित, नवी मुंबई ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अब आप लोग क्या चाहते हैं, ऐसे प्रश्नों को भी पूछा जाए और इसमें भी ट्रिक दिया जाए? नहीं भाई, ऐसे प्रश्न अगर पूछे गए, यहाँ पर आपको ट्रिक व्रिक नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको हर हाल में अपने नॉलेज से ही ऐसे प्रश्नों को सही, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, यह सर्वेक्षण संयुक्त रूप से शहरी विकास मंत्रालय एवं कैबिनेट सचिवालय द्वारा संचालित किया। थर्ड स्टेटमेंट, तिरुपति शहर प्रदेश को सफाई मित्र सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार को 1,00,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार। कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा? देखिए, जब भी इस प्रश्न को पूछा जाएगा, मतलब ये जो कि कॉमन चर्चा में रहने वाले प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएंगे, तो आप उम्मीद करिएगा कि ऐसे प्रश्न को आपको नॉलेज से ही सही करना है। ऐसे प्रश्न में भी ट्रिक खोजने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न के हर तथ्य स्टेटमेंट, जो हर स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट में 3 और 4 तथ्य मिलेंगे, और वे सब के सब निश्चित हैं और वो गलत नहीं हो सकते हैं, हो सकता है कि उनमें से सभी के सभी सही। तो इसीलिए जो कॉमन चर्चा में जो मुद्दे रहते हैं, वैसे मुद्दों की आपको बेहतर जानकारी, स्पष्ट जानकारी जरूर होगी, ठीक है। हालांकि हमने इसमें एक ट्रिक आपके लिए दे रखी है, लेकिन यूपीएससी नहीं देगा ऐसे प्रश्न में, यूपीएससी ट्रिक नहीं देगा। यहां पर देखिए सेकंड में, यह सर्वेक्षण संयुक्त रूप से शहरी विकास मंत्रालय। हम जानते हैं कि जब भी मंत्रालय पूछा जाता है तो मैं सकती है, और दूसरा है कैबिनेट सचिवालय द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक, पता चल गया कि हाँ, शहरी विकास मंत्रालय तो है लेकिन कैबिनेट सचिवालय नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन अगर गलत हो गया, तो यह गलत हो गया, यह गलत हो गया, यह गलत हो गया, और आंसर निकल गया 1 और 3। लेकिन यूपीएससी इसमें ट्रिक नहीं था, ये आप लोग, ठीक है। ये देखिए, एक हम लोग अपने सेशन में एक पीवाईक्यू भी शामिल करते हैं, ताकि आप लोगों को बता सकें कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन को बनाता है और कैसे क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको सोचना कैसे हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं यूपीएससी के इस क्वेश्चन को कैसे सही करना है, और इसके बारे में नॉलेज कितना जरूरी है, ट्रिक कितना काम करे। यहां देखिए, उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम रूप से संवर्धित किया जा सकता है? विच ऑफ द एबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल बाय सिंथेटिक मीडियम। आर्टिफिशियल रूप से किसको, अर्थात किसको लेबोरेटरी में बढ़ाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर दिया गया है, पहला जीवाणु, दूसरा कवक, और तीसरा मतलब बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस। इन तीनों में से किसको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है? अब अगर आप लोग अपनी जानकारी रखते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि वायरस अगर किसी शरीर से बाहर होता है तो वो डेड होता है, क्योंकि उसका उसमें कोई
हेल्थ ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो वायरस अगर शरीर से बाहर है तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, जब तक शरीर के अंदर नहीं जाएगा वो जीवित नहीं होता है। तो ऐसे में लेबोरेटरी में किसी केमिकल में डाल करके, किसी मशीनरी में डाल करके क्या वायरस को बढ़ाया जा सकता है, क्या वायरस को कल्चर्ड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वायरस को कल्चर्ड होने के लिए हमेशा लिविंग सेल की, जीवित शरीर के किसी अंग की, किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में इतनी जानकारी अगर आपके पास है तो आपने इसको जैसे ही विषाणु को तीन को काटा, आपका आंसर निकल गया एक एंड दो। यूपीएससी ऑप्शंस बड़ा आसान देता है, ये जो पैटर्न यूपीएससी का है ये बहुत आसान पैटर्न। हालांकि पिछले दो सालों से यूपीएससी ने एक नए पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया है, उपयुक्त में से एक सही, उपयुक्त में से दो सही, उपयुक्त में से तीन सही, उपयुक्त वाला एक जो नया पैटर्न आया। हालांकि इसमें वो भी पांच से छह क्वेश्चन ही पूछता, लेकिन ये पैटर्न थोड़ा सा टफ जरूर हुआ है। लेकिन बाकी यह पैटर्न अभी भी लंबे मतलब 70 80 90 क्वेश्चन में कंटिन्यू रहता है और ये बहुत आसान पैटर्न होता है। थोड़ी सी जानकारी हमें बस विषाणु के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, उस थोड़ी सी जानकारी से ही, और ये सबको जानकारी है कि वायरस शरीर के बाहर डेड होता है, उसको लिविंग सेल की जरूरत होती है, उसको क्या किया जा सकता है, आर्टिफिशियल रूप से डेवलप नहीं किया जा सकता। जैसे ही हमने इसको गलत काटा हमारा आंसर निकल, ठीक है। तो यूपीएससी के क्वेश्चनों को सही करने के लिए, बेसिकली प्रिलिम्स को सही करने के लिए आपको बहुत अधिक मास्टर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत अधिक सामान्य जानकारी रखने की आवश्यकता जरूर है। आइए अब मैपिंग के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए हम लोग वर्ल्ड मैपिंग में रशिया के आसपास पहुंचे हैं। तो रूस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यह प्रश्न है, कारा सागर, काला सागर, लेप्टेव सागर एवं अरल झील ये रूस से सीमा साझा करते हैं, क्या रूस इनसे सीमा साझा करता है? पहला स्टेटमेंट। सेकंड, चुक्सी प्रायद्वीप, चुक्सी पेनिनसुला बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से अलास्का से जुड़ा हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट, जुराल पर्वत आर्कटिक महासागर से कजाकिस्तान तक विस्तृत। एक और बात की जब मैपिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे वहां पर आपकी हार्डकोर रूप से ज्ञान की परख की जाती है, वहां पर आपके लिए इलिमिनेशन का मेथड नहीं दिया जाता, ठीक है। तो यहां पर आपको अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहले तो कि आप ये सभी सागर के बारे में जानते हैं कि नहीं, यह जरूरी है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप अपने वर्ल्ड मैपिंग पे काम कीजिए, हमारे पीछे के सीरीज को भी देखिए, हो सकता है यहां से आपका काम हो जाए, लेकिन खुद से भी एटलस लेकर के इन सब चीजों को जरूर देखिए, ठीक है। अब आइए इसको देख लेते हैं। यहां देखिए यह रसिया है, ये रसिया के आसपास ऊपर बहुत सारे सागर हैं, इधर भी कुछ सागर हैं, ठीक है। ये शायद आप लोगों को पता नहीं कितने दिख रहे होंगे, मैं दिखा देता हूं बता करके। यहां देखिएगा, यहां पर आप लोगों को यह दिख रहा होगा, पेरेंट्स रूस के ऊपर आर्कटिक और रूस के बीच में, यहां पर ये जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है जस्ट सटा हुआ, यहां पर पेरेंट्स सागर है। पेरेंट्स सागर के बाद इधर देखिए दूसरा है कारा सागर। कारा सागर और काला सागर हिंदी में जो होता है ट्रांसलेशन, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। कारा सागर अलग है, काला सागर अलग है, ब्लैक सी अलग है और कारा सी अलग है। तीसरा देखिए, यहां पर कारा सागर के बाद यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा लेप्टेव सी, लेप्टेव सागर। तो सबसे पहले यहां पर पेरेंट्स सागर, फिर इधर कारा सागर और फिर लेप्टेव सागर, और फिर यहां पर देखिए ईस्ट साइबेरिया सी। इसका मतलब कि रशिया के ऊपर में चार बड़े बड़े सागर हैं, पहले बेरेंट्स सागर, दूसरा कारा सागर,
तीसरा लैप्टेव सागर और चौथा ईस्ट साइबेरियन सी। ठीक है, तो ये चारों हो गए जो कि रसिया के ऊपर है। अब हम के पूर्वी भाग को देख लेते हैं कि रूस के पूर्वी भाग में कौन कौन से सागर हैं। आइए देखते हैं, इधर देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा सी ऑफ ओखोस्क, ओखोस्क सागर। यहां पर ये जापान का होकाइडो पेनिनसुला है, होकाइडो आइलैंड है, और इस होकाइडो आइलैंड और रूस के बीच में है सी ऑफ ओखोस्क। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये रूस का पूर्व में प्रशांत महासागर में एक भाग जो निकला हुआ है, इस निकले हुए भाग को कहते हैं कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका पेनिनसुला। ठीक है, और ये जो कमचटका पेनिनसुला के बाद का ये जो ऊपर वाला पूरा हिस्सा है इसको कहते हैं चुकसी प्रायद्वीप, चुकसी पेनिनसुला। ठीक है, इसको कहते हैं चुकसी पेनिनसुला और इसको कहते हैं, ये मैंने बता दिया आप लोगों को, कमचटका, कमचटका पेनिनसुला, कमचटका प्रायद्वीप। ठीक है, तो यहां हमने इसके पूर्वी भाग में भी देख लिया कि पूरब में रूस के पूरब में यहां पर देखिए बेरिंग सी है, इधर सी ऑफ ओखोस्क है, और जो सबसे बाहर निकला हुआ एक रूस का प्रायद्वीप है वो है कमचटका प्रायद्वीप, और ये जो प्रायद्वीप है ये है चुकसी प्रायद्वीप। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब आइए इसको देख लेते हैं हम लोग इसके दक्षिणी भाग को, रूस के दक्षिणी भाग को, दक्षिणी भाग शायद इस मैप में थोड़ा कम दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या क्या ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है, समझ लीजिएगा। यहां देखिए यह है कैस्पियन सागर, रूस के नीचे कैस्पियन सागर है, और इधर यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ये ऐसे दिख रहा होगा ये है ब्लैक सी या काला सागर। ठीक है, तो रूस के नीचे दो सागर हैं, एक कैस्पियन सागर और दूसरा ब्लैक सी काला सागर। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, इधर देखिए इस मैप में आपको और भी कुछ चीजें दिख जाएंगी। यहां पर देखिए रसिया है, उसके नीचे के कुछ देश आपको दिख जाएंगे, हर यहां पे आपको इसका बढ़िया से स्पष्ट दिख जाएगा, ये चुकसी प्रायद्वीप है, यहाँ पे अच्छा दिख जाएगा, बेरिंग सी यहां पर दिख जाएगा, और यहां पे स्पष्ट हो गया है जापान, ये पूरा चीजें आपको दिख रही है। ठीक है, आइए अब इस प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है कारा सागर, तो हमने देखा कि कारा सागर रसिया के उत्तर में है, तो कारा सागर रूस से सीमा साझा करता है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा काला सागर, हम ये भी जानते हैं कि काला सागर रूस के नीचे है दक्षिण में, लेकिन यह भी सीमा साझा करता है। तीसरा लैप्टेव सी, लैप्टेव सी भी हमने देखा कि ऊपर था उत्तर में, यह भी सीमा साझा करता है। अरल झील, अरल झील अगर आप लोग देखे होंगे तो अरल झील आप लोगों को इसमें कहीं दिखा, अरल झील यहां पर देखेंगे, एक अरल रूस में आपको यहां लेकर अरल नहीं दिखेगा, इस मैप पे दिखेगा, दिख रहा है क्या, क्यों नहीं दिख रहा है, हाँ देखिए यहां पे दिख रहा है, ये देखिए ऊपर रसिया है और यह कजाकिस्तान है। ठीक है, यह कजाकिस्तान है और कजाकिस्तान के बीच में यहां पर कजाकिस्तान और इधर नीचे तजाकिस्तान है, तो इन दोनों के बीच में अरल सी है। अरल सी का रूस से कोई प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं है, अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, सॉरी
जुड़ा हुआ है, तो ये दो देशों के बीच में, लेकिन इसका रूस से कोई जुड़ाव नहीं होता है। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट अरल झील को लेकर के स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, चुक्सी प्रायद्वीप बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से अलास्का से जुड़ा हुआ है। ये हमने देखा कि चुक्सी प्रायद्वीप जो था, ये आप लोग यहां पर देख लीजिए, ये चुक्सी पेनिनसुला है और इस चुक्सी पेनिनसुला का यहां पर बेरिंग स्ट्रेट है और उसके बाद यूएसए का अलास्का प्रोविंस शुरू हो जाता है। तो चुक्सी पेनिनसुला बेरिंग स्ट्रेट से अलास्का से जुड़ा हुआ ये स्टेटमेंट तो यहां पर है, चुक्सी प्रायद्वीप बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से अलास्का से जुड़ा हुआ है, यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा है यूराल पर्वत आर्कटिक महासागर से कजाखस्तान तक विस्तृत। अब यहां पर आप देख लीजिए इस मैप में, यहां पर आपको यूराल माउंटेन दिख रहा है, ये देखिए यूराल माउंटेन है, यहां से देखिए ये क्या है, ये आप लोगों को पता ही है कि साउथ नॉर्थ पोल है आर्कटिक महासागर, और नीचे देखिए ये कजाखस्तान है और यहां से शुरू होता है यूराल माउंटेन, का मतलब है कि नीचे कजाखस्तान से शुरू होकर के और आर्कटिक महासागर तक यूराल पर्वत विस्तृत है। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट था यह भी क्या हो गया, सही हो गया। तो कौन सा सही है, तो दो और तीन सही हो गए। इतनी जानकारी हमने वर्ल्ड मैपिंग के लिए देखी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इंडिया की मैपिंग। अब यहां पर देखिए यह प्रश्न है कि निम्नलिखित टाइगर रिजर्व के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। कह रहा है कि नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश स्थित उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। अब यह एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि नामदफा टाइगर रिजर्व जो है वो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। सेकेंड स्टेटमेंट, दम्फा काजीरनागा ये जो टाइगर रिजर्व है ये मिजोरम में अवस्थित है। तो यहाँ दो टाइगर रिजर्व की बात की गई है, दम्फा और काजीरनागा, और कह रहा है कि दोनों कहाँ है, मिजोरम में अवस्थित। देखिए प्रश्न बनाते समय हम लोगों को इस बात का ध्यान रखा है कि जो चर्चा में रहे हैं स्थल हमने उन्हीं को प्रश्न में शामिल किया है, तो इसका मतलब है कि इन प्रश्नों के, इन टॉपिक्स के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है, तो इनको आप लोग गूगल जरूर कर लेंगे, मतलब तैयार जरूर कर। ठीक है, तीसरा, काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र कोरादीपू धनसिरी एवं सुवर्णसिरी नदियों से घिरा हुआ, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। अब यहां पर तीन स्टेटमेंट हैं और आप लोग जानते ही हैं कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि आप लोग अपने नॉलेज से इस स्टेटमेंट को सही करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर हमें देंगे। अगर आप लोगों ने सही आंसर दिया तो वेरी गुड, मैं उस पर उसको लाइक कर दूंगा, और अगर गलत आंसर आया तो मैं वहां पे आपको बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज के इस सेशन में इतना ही, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत आप लोगों पे करें। ठीक है, हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।